हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपूर्वा एंड अभिनव शो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे स्टडी हैक्स जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, पहले हैक है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा टेस्ट शुरू होने वाला है और हमारी कुछ तैयारी नहीं होती, तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें एक टाइम टेबल हमेशा बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभिनव के लिए ये टाइम टेबल बनाया है। इसमें अभिनव मंडे को पढ़ेगा इंग्लिश एंड मैथ्स, और ऐसा ही फ्राइडे तक पढ़ेगा अलग अलग सब्जेक्ट्स, एंड सैटरडे को रिवीजन ऑफ ऑल एंड इंग्लिश ग्रामर, और संडे को होगा उसका टेस्ट और आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक। अभिनव, क्या कर रहे हो? पढ़ाई भी कर लो। अरे दीदी, पढ़ाई करने से वैसे भी क्या होगा, बस बच्चों की मस्ती को छीनेंगे और माँ बाप के पैसे खर्च होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मेरे भाई ने कैसे पढ़ाई का मजाक उड़ा दिया, क्या आपके भी छोटे भाई बहन ऐसा करते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए ये हैक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आपने पिछले हैक में देखा था ना कि कैसे हमें अपने लिए या अपने छोटे भाई बहन के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिसमें एक डे में 2 सब्जेक्ट्स हों और मैथ्स दे दियो। तो ऐसे ही आप उनके लिए कोई टाइम टेबल बनाएं, और अगर वो इसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपको उनके लिए बनानी है कुछ ऐसे ही 6 चीट्स। एक में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। आपने पिछले हैक में देखा था कि क्या टाइम टेबल बनाना है, तो उस टाइम टेबल को अगर उसने मंडे को फॉलो किया तो आप उन्हें डे 1 की चीट दे देंगे, और अगर ट्यूसडे को भी फॉलो किया तो डे 2 की, और ऐसे ही पूरे सैटरडे तक अगर उसने सारे फॉलो किए तो सारी चीट्स उसके पास हो जाएंगी, और फिर वो बाद में आपको अपनी सारी चीट्स दिखाएगा और उसके लिए आप उसे कोई गिफ्ट देंगे, क्योंकि उसने सारे हफ्ते बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की। तो इसे यूज़ करके आप अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, और उन्हें पढ़ाई करने में मज़ा भी आएगा क्योंकि उन्हें संडे को एक गिफ्ट मिलने वाला है। चलो, अब पढ़ाई ही कर लेती हूँ। ओफ, ये सब इतना फैला हुआ है। मैंने मैथ्स की कॉपी बनाना है। मैथ्स की कॉपी, अच्छा चलो ब्लैक पे कहाँ गया। आपने देखा ना, दीर्घ इतना पहला होता है इसलिए वो कुछ पढ़ ही नहीं पाई। तो इसे अवॉइड करने के लिए आपकी स्टडी टेबल में होनी चाहिए आपकी वाटर बॉटल, जिससे कि आपको पानी पीने के लिए जाना ना पड़े। आपके बुक जिसको आपको पढ़ना है, और आपका पेंसिल बॉक्स, और आपकी एक ऐसी डायरी होनी चाहिए जिसमें लिखा हो कि आपको अभी क्या पढ़ना है। जैसे कि अभी मैं चैप्टर 7 के एक्सरसाइजेस करूँगा, तो फिर मैंने इसे लिख दिया है इस डायरी में। कई बार ऐसा होता है कि हमें लर्न करने में बहुत ही मुश्किलें होती हैं, तो इसे अवॉइड करने के लिए मैं अपना जो भी चैप्टर लर्न करती हूँ वो एक बार अपने भाई को सुनाती हूँ, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, और उसमें जो जो सीखा मैंने वो उसे बताती हूँ, जिससे कि मेरा भी एक बार रिवाइज हो जाता है और उसे भी कुछ पता चलता है। अगर आप भी कुछ लर्न करने के बाद किसी और को बताएंगे उसके बारे में, तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक लर्न रहेगा। फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये स्टडी हैक्स? अगर पसंद आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।